हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आईसी इंजन की डिज़ाइनिंग का पार्ट टू देखेंगे, जिसमें हम पिस्टन की डिज़ाइन और उससे रिलेटेड पार्ट्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो पिस्टन का आपको पता ही होगा कि पिस्टन का यूज़ क्यों करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द पिस्टन इज ऑफ एन इंटरनल कम्बस्शन इंजन इज़ टू रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द एक्सपेंडिंग गैस एंड टू ट्रांसमिट द एनर्जी टू द क्रैंक शाफ्ट थ्रू द कनेक्टिंग रॉड। जैसे आपको पता है कि इंटरनल कम्बशन इंजन में जब इग्निशन होता है तो गैसें एक्सपेंड करती हैं, तो जब गैसें एक्सपेंड करती हैं तो जो सिलेंडर के अंदर में जो दो जगह होती हैं, एक तो सिलेंडर हेड और दूसरा जगह होता है पिस्टन। तो सिलेंडर तो फिक्स होता है अपनी जगह, तो गैसें को एक्सपेंड होना है तो वो पिस्टन को पुश करती है, तो पिस्टन के थ्रू ही पावर हमारी कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसफ़र होती है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक को करता है और इसी तरह से हमारी आगे पावर ट्रांसमिट होती है। तो पिस्टन के क्या क्या पार्ट होते हैं? पिस्टन में पिस्टन हेड होता है, फिर पिस्टन रिंग होती हैं, स्कर्ट होता है, पिस्टन पिन होती है। ओके, तो इन सब की हमें कोई ना कोई पैरामीटर को डिज़ाइन करना है। ये देखिए आपका डिटेल फिगर है आपके पिस्टन का, जिसमें आप देख सकते हैं ये है, इस पोर्शन को कहते हैं पिस्टन हेड, ओके, और क्राउन, ओके, दीज आर द ग्रूव फॉर पिस्टन रिंग। इन ग्रूव में आप देख सकते हैं यहाँ पर पिस्टन रिंग को हम इंसर्ट करते हैं टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर साइड। ओके, तो ये पिस्टन रिंग क्या करती हैं, ये सील कर देती हैं गैसों को कि वो एक साइड ही रहें। ओके, और इसमें एक दो ऑयल रिंग भी लगती हैं, जिसका काम होता है नीचे से ऑयल को ऊपर जब आता है ऑयल तो उसको एक पैसेज देने के लिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पिस्टन रिंग से मतलब है फिलहाल, हमको ऑयल रिंग और प्रेशर रिंग उससे मतलब नहीं होगा, हमको केवल उसको डिज़ाइन करना है सेम साइज की। देन ये रिब्स होती हैं टू सपोर्ट दिस पिस्टन हेड। देन दिस पार्ट इज कॉल्ड टॉप लैंड एंड दिस रिंग सेंक्शन पार्ट इज कॉल्ड रिंग सेंक्शन। देन द ब्लो पार्ट फ्रॉम लास्ट रिंग टू द लास्ट ऑफ पिस्टन इज कॉल्ड पिस्टन स्कर्ट। ओके, और ये पूरी लेंथ जो है ये पिस्टन वेरल कहलाती है, और जिसमें जो ये थिकनेस आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है थिकनेस ऑफ पिस्टन वेरल फॉर अपसाइड एंड दिस इज फॉर थिकनेस ऑफ पिस्टन वेरल फॉर डाउन साइड। एंड यहाँ पर आपके पिस्टन पिन लगी रहती है, जो पिस्टन पिन के कनेक्ट होती है करती है कनेक्टिंग शाफ्ट को थ्रू दिस पिस्टन। तो इस पोर्शन में कनेक्टिंग रॉड आएगी, ओके, और यहाँ से पिस्टन पिन को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो जब जैसे ये फोर्स को ट्रांसमिट, जब इस पे गैस प्रेशर आएगा तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो जो कनेक्टिंग रॉड है वो भी नीचे इसके साथ आएगी। ठीक है, तो हम एक एक करके इनकी डिज़ाइनिंग को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबके नोटिफिकेशन दिए हुए हैं। दिस पिस्टन हेड इज़ डिनोटेड बाई TH। देन जो ये रिंग ग्रुप का जो रेडियल डायरेक्शन में डिस्टेंस है, दिस इज़ T1। एक्सियल डायरेक्शन में इट इज़ कॉल्ड B2, सॉरी T2। और जो ये डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड B2। ओके, टॉप लेंथ इज कॉल्ड B1। ओके, एंड टोटल लेंथ ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड L। ओके, और तो हम ये आगे देखते हैं इसमें हमको और क्या क्या है। तो डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर पिस्टन, सो देयर आर सम डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर पिस्टन। ओके, तो ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
हाँ, जैसे और मटेरियल ऑफ फॉर पिस्टन, तो जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो पिस्टन बनाने के लिए कास्ट आयरन या कास्ट एल्यूमिनियम, फोर्ज एल्यूमिनियम, कास्ट स्टील, फोर्ज स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअली इसको हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसिस को सस्टेन करना होता है, तो अकॉर्डिंग टू द यूज़ और पिस्टन स्पीड हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये डिज़ाइनिंग पार्ट अब शुरू हो रहा है, तो इसमें हमको डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे, आप देख सकते हैं बैक साइड में दिस पिस्टन हेड, द वैल्यू ऑफ टी एच, हाउ वी विल फाइंड दिस वैल्यू ऑफ टी एच। तो ये इसका यहाँ पर ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। एक्चुअली इसके तीन तरीके हैं इसको करने के, तो इसमें मेनली दो तरीके हैं। डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ, जैसा कि आपको पता है कि इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर से, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग है नंबर। दूसरा, क्योंकि जो कंबस्टिबल गैसेस हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उसको अकॉर्डिंगली उन हीट को बाहर भी निकालना होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हम पे दूसरा फॉर्मूला है जो हीट के कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनाया गया है, ठीक है। और तीसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ पिस्टन हेड। तो हम क्या करते हैं, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इन तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, पिस्टन हेड की हाइट को निकालने का या पिस्टन की थिकनेस निकालने का, और इन तीनों में जो भी मेजर वैल्यू आएगी, जो ज़्यादा वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे और आगे की डिज़ाइनिंग अकॉर्डिंग टू डैट वैल्यू हम करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड इज़ गिवन बाई 0.43 d स्क्वायर रूट ऑफ पी वाई सिग्मा टी, और जो ये वैल्यू निकल के आएगी mm में, इसमें पी है मैक्सिमम गैस प्रेशर इन न्यूटन mm स्क्वायर, डी इज़ द सिलेंडर बोर और आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पिस्टन। अब ये रिमेंबर करिए कि सिलेंडर बोर मतलब इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और जो पिस्टन होता है वो सिलेंडर के अंदर होता है। तो सिलेंडर बोर मतलब इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर विल इक्वल टू पिस्टन का आउटसाइड डायमीटर, ठीक है, जो मेन डायमीटर होता है, जिसको हम पिस्टन का डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा टी आप इसको डाटा बुक से देख लेंगे, तो प्रेशर वही पी मैक्सिमम है, सिग्मा टी की वैल्यू डाटा बुक से ले लेंगे 0.43 कैपिटल डी, तो जो वैल्यू आएगी एमएम में आएगी, अगर हम इसको सब पैरामीटर को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रखें और पिस्टन की डाई को एमएम में रखें और सिग्मा टी की वैल्यू अगेन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रखते हैं। तो दूसरा, या इसको तीसरा भी बोल सकते हैं, जो थिकनेस जो होती है वो 0.032 कैपिटल डी प्लस 1.5 mm होती है। और तीसरी जो ये आपको देखना है, आपको दूसरी बुकों में इसको निकालने का कोई दूसरा तरीका भी मिल जाएगा, पर उसमें आपको बहुत सी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जबकि ये जो डाटा है वो डाटा बुक का है ये फॉर्मूला। तो इसमें जो पैरामीटर जो ये सब आपको जो दे रखे हैं, क्यू की वैल्यू, के की वैल्यू, टी सी टी, ये सब आपके डैन डाटा बुक में मौजूद है। तो मेरे अकॉर्डिंगली आप अगर उसको कर सकते हैं, डाटा याद रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो आप वो कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड निकालने का है, इसका डी स्क्वायर क्यू ओवर 1600 के टी सी माइनस टी ई है, जिसमें क्यू है हीट फ्लोइंग फ्रॉम गैसेस, इसकी वैल्यू जो है वो जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर में होगी, 3200 से लेके 1,28,000 के बीच में आप कास्ट आयरन की इसकी वैल्यू होती है। ओके, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों का एवरेज लगभग 80,000 पड़ेगा, उसको ले लीजिए। हीट कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी आपको पता है क्या होता है, इसकी वैल्यू है 660 से लेके कास्ट आयरन की, और 600 के 1600 है एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। देन टी इज़ द टेम्परेचर फॉर सेंटर सेंटर ऑफ द पिस्टन हेड, डिग्री सेंटीग्रेड, टी टेम्परेचर ऑफ द एज ऑफ द पिस्टन हेड, तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको टी सी ई माइनस टी ई की वैल्यू, अगर कास्ट आयरन का पिस्टन है तो 222 ले लेंगे, और अगर एल्यूमिनियम है तो 111 ले लेंगे आप इसकी वैल्यू को, ठीक है। बस सीधा इसमें तो डी, ये सब वैल्यू फिक्स हैं, आपको ये रखना है जो वैल्यू आ जाए, ठीक है, वो रख लेंगे।
तो इन तीनों में से ये लिखा हुआ है द थिकनेस ऑफ द पिस्टन हैज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड लार्जर ऑफ द थ्री वैल्यू ऑब्टेंड शुड बी एडॉप्टेड। ठीक है, दूसरी पॉइंट नोट करने का है, फॉर इंजन हैविंग लेंथ ऑफ स्ट्रोक अप टू सिलेंडर बोर LYD रेशियो 1.5। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जहाँ भी रिमेंबर लिखना है वो लिखा हुआ है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है खुद से। ठीक है, ये कहता है कि अगर इसका रेशियो 1.5 आ जाता है तो एक कप इज प्रोवाइडेड इन द टॉप ऑफ द पिस्टन हेड विद ए रेडियस इक्वल टू 0.7D। ये भी आपको वैल्यू याद रखनी है, दिस इज डन टू प्रोवाइड ए स्पेस फॉर कम्बस्टन चैम्बर। अब ये है क्या, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली आप इसके लिए पहले पिस्टन को देखें, ये पिस्टन है, ये वो कप है। अगर आप इसको टॉप से देखेंगे तो ये दो कंसेंट्रिक सर्कल आपको मिलखाई देंगे, एक तो विद डाया दिस और एक विद डाया दिस, यहाँ से यहाँ तक, जो कि 0.7D है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है। एक्चुअली ये कह रहा है कि अगर LYD का रेशियो 1.5 है, ठीक है, लेंथ वाई डाई का रेशियो 1.5 या उससे कम है, यहाँ आप ध्यान रखिएगा 1.5 अप टू 1.5 तक, एक 1.5 से ज़्यादा है तो आपको इस कप की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं, 0.7D की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर 1.5 या उससे कम है तो आपको एक कप देना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपकी लेंथ कम है और डाया ज़्यादा है। इसका मतलब है आप देख सकते हैं कि जो ये लेंथ है, ये लेंथ आपकी कम है और ये डाया ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर जो कम्बशन के लिए, अगर ये सरफेस फ्लैट है, एक्चुअली पिस्टन का ये हेड है और यहाँ पे अगर स्पेस कम है तो आपको आपको जगह कम मिल, तो यहाँ पर आपको स्पेस कम, जब ये इस पोजीशन पे होगा तब यहाँ पे आपको बहुत कम जगह मिलेगी कम्बशन ऑफ द गैसेस के लिए। तो इसकी जगह देने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे कप प्रोवाइड कर देते हैं ताकि यहाँ पर एक इस कम्बशन ऑफ गैसेस के लिए जगह मिले। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हमको चेक करना है कि जब वन मिनट LYD रेशियो का रेशियो 1.5 तक होगा तो हमको एक कप प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप ध्यान रखते हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आपने नहीं अगर लिया तो आपके पूरे पॉइंट कट जाएंगे, आपके कुछ नंबर, एक दो नंबर कट सकते हैं, पर अगर ऐसा है तो आप याद रखिए कि LYD का रेशियो इन केस अगर 1.5 या उससे कम आता है तो आप 0.7D डाई का एक कप प्रोवाइड करेंगे इसके टॉप पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, व्हेन TH इज ग्रेटर देन 6 mm, अगर TH की वैल्यू जो आपने चूज़ की है उसकी वैल्यू 6 mm से अगर ज़्यादा आ जाती है तो आप 4 से 6 रिप्स आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप मींस TH की वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है, मतलब है कि आपका प्रेशर जो ऊपर से आने वाला है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको स्ट्रेथन करने के लिए आप ये जो रिप्स हैं, ये नंबर ऑफ रिप्स 4 से 6 आप इसको देंगे। ठीक है, अगर TH की वैल्यू 6 से ज़्यादा है तो, 6 से कम है तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, पर अगर 6 से ज़्यादा है तो आप इसमें 4 से 6 रिप्स को प्रोवाइड करेंगे फॉर द प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पिस्टन। ओके, और प्रोवाइडेड एट द सेंटर लाइन टू स्ट्रेथन द पिस्टन अगेंस्ट गैस लोड, और जो थिकनेस होगी रिप्स की वो हम TH/3 से TH/2 के बीच की लेंगे। सपोज अगर वैल्यू आ रही है 3.2, 3.56 तो हम इसको 4 मान लेंगे, 3.2 है तो 3 भी ले सकते हैं आप, मतलब आप अगर 3 से 4 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है तो जिसके नज़दीक है वो आप उतना ले लीजिए, आप 3 से 4 के बीच में है तो 3.5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे, 4 से 6 है तो आपकी मर्जी है, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो थिकनेस होगी वो इतनी होगी, आप
ये देखिए थिकनेस क्या है, थिकनेस है ये, ठीक है, टी आर, टी आर की वैल्यू आप जो लेंगे वो लेंगे टी एच वाई टू से टी एच वाई थ्री के बीच की, ठीक है। ओके तो ये आपकी थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड का पार्ट पूरा हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं पिस्टन रिंग। तो मैंने जैसे बताया था दो तरह की रिंग होती है, कंप्रेशन या प्रेशर रिंग, और दूसरी तरह की होती है ऑयल कंट्रोल रिंग और ऑयल स्क्रैपर। जो पिस्टन रिंग होती हैं, कंप्रेशन या प्रेशर रिंग बोलते हैं, वो 3 से 7 नंबर की, 3 से 7 हो सकती हैं, ठीक है। और जैसे ऑयल रिंग होती हैं वो भी आपकी 2 से 3 हो सकती हैं। जो प्रेशर रिंग होती हैं उसको हम कम्बस्चन चैम्बर के साइड रखते हैं, वो प्रेशर को, गैसेस को पास ना हो वो नीचे लो प्रेशर साइड में, उसके लिए होती हैं। और ऑयल स्क्रैपर रिंग जो होती हैं वो नीचे लगी हुई होती हैं फॉर द प्रॉपर फ्लो ऑफ ऑयल, ठीक है। तो कुछ इस तरह की होती है पिस्टन रिंग, जो आप देख सकते हैं इसके बीच में ये डायगोनल कट है, अगर ये यहाँ से कट है तो, और ये स्टेप कट है। एक्चुअली इनको एक्सपेंड करके पिस्टन में लगा देते हैं और ग्रूव में इसको फिट कर देते हैं, ठीक है ना। पिस्टन रिंग अब हम देखेंगे, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले दे रखे हैं, ये किस चीज़ के हैं। आप देखिए, टी वन इज़ द रेडियल थिकनेस ऑफ द रिंग मे बी ऑब्टेंड बाई कंसिडरिंग द रेडियल प्रेशर बिटवीन द सिलेंडर वॉल एंड द रिंग, ठीक है। ऑब्वियसली रेडियल प्रेशर ही आएगा जब स्प्रिंग, सॉरी पिस्टन रिंग है वो एज ए स्प्रिंग वर्क करेगी, तो वो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में रहेगी तो उसमें रेडियल प्रेशर ही लगेगा। तो इसका फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये, और ये आपको बुक में दे रखा है। तो यहाँ पे डी, अगर आप देखेंगे दिस इज डी स्क्वायर रूट 3 PW ओवर सिग्मा टी। डी है सिलेंडर बोर इन एम एम, पी डब्ल्यू इज द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सिलेंडर वॉल, इट्स वैल्यू लिमिटेड टू 0.02746 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर टू 0.03432 न्यूटन पर। तो ये आपको वैल्यू दे रखी है डाटा बुक में। और सिग्मा टी है अलाउंड बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन एम पी ए, इसकी वैल्यू 82 से लेकर 110 होती है कास्ट आयरन रिंग के लिए, और ये आपको दे रखा है डाटा बुक में, ठीक है। एक्सियल थिकनेस टी टू ऑफ द रिंग, इसको हम 0.7 टी वन से टी वन के बराबर ले सकते हैं, इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, किसकी, टी टू की एक्सियल थिकनेस। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी ओपन करके पिस्टन को दोबारा से। जो मैक्सिमम एक्सियल थिकनेस है वो हम इतनी ही ले सकते हैं, मिनिमम, सॉरी मिनिमम एक्सियल थिकनेस आपको इतनी लेनी ही पड़ेगी। सपोज इसके थ्रू आपकी पॉइंट जो वैल्यू आ रही है वो 4 mm आ रही है, और इसके थ्रू जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, तो आपको 5 ही लेनी होगी, जिसमें डी आपको मालूम ही है क्या है, और एन आर है नंबर ऑफ रिंग, टोटल कितनी रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो इनमें से जो भी मिनिमम आएगा, मिनिमम इससे, अगर ये वैल्यू जो आएगी और ये वैल्यू जो आएगी, तो आपको मिनिमम इतना तो लेना ही लेना है टी टू की वैल्यू, ठीक है। तो देन विड्थ ऑफ द टॉप लैंड डिनोटेड बाई बी वन इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू लेते हैं वो टी एच से 1.2 टी एच के बराबर लेते हैं, जिसमें टी एच है थिकनेस ऑफ पिस्टन हेड। द विड्थ ऑफ अदर रिंग लैंड मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द रिंग ग्रुप्स, डिस्टेंस बिटवीन द रिंग ग्रुप्स, ये इसके, उसको हम, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ये दिया नहीं है, ये इसमें दिया हुआ है लेस देन टी टू लेते हैं, पर आप ध्यान रखेंगे इसको डिनोट करते हैं बी टू से, इसकी वैल्यू 0.75 से लेकर हम टी टू के बराबर ले लेते हैं, इसमें टी टू है एक्सेल थिकनेस ऑफ द रिंग। अब हम बताते हैं डिनोटेशन, डिनोटेशन ये हैं किस चीज़ के, टी वन टी टू बी वन बी टू, अब आप देखिए इसमें T1 जो है ये है रेडियल थिकनेस, आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर होता है इस तरह से, तो ये रेडियस पे, अलोंग दी रेडियस, तो ये रेडियल डिस्टेंस T1 जो ये है वही पिस्टन रिंग इसमें आएगी, तो उसको ही मान लीजिए। तो ये T1 हो गया रेडियल थिकनेस ऑफ द ग्रूव, T2 था, आप फॉर्मूला देखेंगे वहाँ पे, इससे इसको रिलेट करिएगा, T2 इज द एक्सियल, ये एक्सिस है तो ये एक्सियल थिकनेस T2, देन B2 व V1 टॉप लेंथ,
टॉप लेंथ वाज डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू द फर्स्ट ग्रूव, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टॉप लेंथ. और जो बी टू है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्रूव्स, मतलब ग्रूव जहाँ पे एंड हुआ पहला और दूसरा शुरू हुआ, ये डिस्टेंस, और ये सब बराबर ही लेंगे हम. तो ये तो इस तरह से टी वन रेडियल थिकनेस, टी टू एक्सियल थिकनेस ऑफ ग्रूव, देन बी वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू फर्स्ट रिंग ग्रूव एंड बी टू इज द डिस्टेंस बिटवीन टू रिंग ग्रूव. ये रिंग ग्रूव है, ये रिंग ग्रूव है, तो उनके बीच की दूरी ये. ओके देन पिस्टन वेरल. पिस्टन वेरल क्या है एक बार हम दिखाएंगे आपको. इसकी फॉर्मूला होता है टी थ्री, ये सब इंपीरियल फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, 0.03 डी प्लस स्मॉल बी प्लस 4.5, इसमें बी की वैल्यू होती है टी वन मतलब रेडियल थिकनेस ऑफ पिस्टन ग्रूव प्लस 0.4. तो ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यू दे रहे हुए हैं फॉर्मूले की, फाइनल फॉर्मूला ये बनता है. तो आपको याद रखना है टी थ्री की वैल्यू 0.03 डी प्लस टी वन प्लस 4.9 mm, ठीक है. और जो पिस्टन वॉल थिकनेस टुवार्ड द ओपन एंड इज डिक्रीज एंड शुड बी टेकन एज 0.25 T3 to 0.35 T3, ये आपको याद रखना है अगर ये आपको नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है. अब ये क्या चीज थी ये हम देख लेते हैं. ओके ये कहलाता है पोर्शन पिस्टन बैरल. तो यहाँ पे जो ये थिकनेस है इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ पिस्टन बैरल इन क्लोज्ड एंड, सिंस इट इज क्लोज्ड एंड दिस इज द पिस्टन बैरल थिकनेस एट ओपन एंड. ये अब ओपन होने वाला है यहाँ से, तो इसको ओपन एंड बोलते हैं. तो टी थ्री की वैल्यू मैंने हमने बता दिया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो, और टी फोर की वैल्यू भी उसमें दी हुई है आपको. तो इसके थ्रू हम ये पिस्टन बैरल की वैल्यू बताते हैं. तो जो टोटल लेंथ हो जाती है ऑफ द पिस्टन जो कि एल जो होता है वो होता है द सम ऑफ टॉप लेंथ बी वन रिंग सेक्शन प्लस प्लस स्कर्ट, जिसको हम स्कर्ट को अभी हम कैलकुलेट करेंगे बताएंगे आपको. रिंग सेक्शन का कैलकुलेशन बहुत ईजी है करना, नंबर ऑफ रिंग्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रिंग्स मल्टीप्लाई बाई ये टी टू. ओके और उसके बाद नंबर ऑफ रिंग्स माइनस वन कर देंगे तो आपका जैसे 1 2 3 4 है तो 4 × T2 प्लस 4 − 1 मतलब 3 1 2 3 इंटू बी टू कर देंगे तो ये हो जाएगा. तो ये रिंग सेक्शन की लेंथ हो जाएगी. स्कर्ट की लेंथ हम निकालने का अभी आपको तरीका बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ओके दिस इज पिस्टन स्कर्ट. तो द पोर्शन ऑफ द पिस्टन बिलो द रिंग सेक्शन इज नोन एज पिस्टन स्कर्ट. इट एक्ट एज ए बियरिंग फॉर द साइड थ्रस्ट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. एक्चुअली आप अगर नोटिस करेंगे तो जो पिस्टन टू एंड फ्रो मूव करता है जबकि उसमें लगा हुआ कनेक्टिंग रॉड जब रोटेट करता है तो वो ऑसिलेट करता है जिसकी वजह से वो उसमें साइड थ्रस्ट लगाता है पिस्टन में. तो जो ये पिस्टन स्कर्ट होता है वो एज ए बियरिंग उसका यूज़ किया जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए पिस्टन को, ठीक है. तो मैं जो यहाँ बता रहा हूँ आपको ये याद रखिएगा, ये आपको डाटा बुक में नहीं मिलेगा तो उसको आप निकालने का तरीका देख लीजिए, बहुत ही इजी है. इसमें क्या है आपको पता है कि मैक्सिमम गैस प्रेशर कितना जनरेट होता है, P × π² / 4. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी मैक्सिमम मैक्सिमम गैस प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या होती है 10 times ले लेते हैं यहाँ पी मीन मीन इफेक्टिव प्रेशर के. ओके तो और मैक्सिमम साइड थ्रस्ट होता है ऑन द सिलेंडर वो होता है इसका 10वां पार्ट, ठीक है. तो ये हो गया. अब जो जो साइड थ्रस्ट आता है वो आता है इसका 10% केवल, तो 0.1 P. एक ये पार्ट हो गया. दूसरा क्या है कि ओके ये जो पार्ट है ये आपके बियरिंग एज ए बियरिंग सरफेस एरिया का यूज होता है कि लग होता है, इसको LS बोलते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ स्कर्ट. तो इसमें क्या होता है हमारा ये पार्ट जो होगा वो इस फोर्स को रजिस्ट करेगा, तो वो कितना हो जाएगा वो आप देखेंगे तो वो उसका प्रोजेक्टेड
एरिया मल्टीप्लाई बाई बियरिंग प्रेशर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो एरिया, आप देखें, दैट विल बी बियरिंग प्रेशर पी बी मल्टीप्लाई बाई डी इंटू एल एस, प्रोजेक्टेड एरिया, बियरिंग प्रेशर मल्टीप्लाई बाई प्रोजेक्टेड बियरिंग एरिया ऑफ द पिस्टन स्कर्ट। तो पी बी मल्टीप्लाई बाई डी इंटू एल एस। आप सोचें कि उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, एक सिलेंडर को आप बीच में से काट दो तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, उसका डाया मल्टीप्लाई बाई उस सिलेंडर की लेंथ और इंटू पी बी, ओके। यहाँ पे एल एस आपको लेंथ ऑफ द पिस्टन स्कर्ट है। तो ये दोनों बराबर होंगे, जब उन दोनों को बराबर आप कर दोगे तो एल एस की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। ये ध्यान रखिएगा, पी वी की वैल्यू जो होती है वो 0.25 से लेके 0.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ याद करनी पड़ेंगी क्योंकि डाटा बुक में हर एक एक वैल्यू नहीं दे रखी है, क्योंकि आपको डिज़ाइन ऑफ पिस्टन करवाएगा तो आप में आपकी मर्जी आप कितने पैरामीटर निकालते हैं। तो बेटर है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप इनको याद रखें ताकि आप इसको पूरा कर सकें, ठीक है। तो पी वी की वैल्यू 0.25 से 0.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है 0.2 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, 0.6 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, पर बेटर है कि जो चीज़ पैरामीटर मानते हैं उसी के बीच में लें। तो जब ये वैल्यू रख देंगे आप, डी की वैल्यू पता होगी, एल एस की वैल्यू आपकी निकल आएगी, या किसको इक्वेट करेंगे ये वैल्यू पता ही होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप एल एस की वैल्यू लेंथ ऑफ स्कर्ट निकाल लेंगे, और जो एक्चुअल में जो एल एस की वैल्यू आएगी वो 0.65 से 0.8 टाइम्स सिलेंडर बोर के बीच में आपकी आएगी, आप देखेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ द पिस्टन, नाउ लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट, लेंथ ऑफ रिंग सेक्शन एंड लेंथ टॉप लेंथ जो बी वन है, लेंथ ऑफ पिस्टन यूजली वैल्यू डी एंड 1.5, लेंथ ऑफ द पिस्टन यूजली वैल्यू, लेंथ ऑफ द पिस्टन जो आती है वो डी और 1.5 डी के बीच में आती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई स्कर्ट की डिजाइनिंग। नाउ पिस्टन पिन, पिस्टन पिन आप पिस्टन पिन इसको देखें, ये देखिए ये पिस्टन पिन होती है और ये कनेक्टिंग रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड ऐसे रहती है तो जिस पे फोर्स लगता है नीचे की ओर, तो ये कनेक्टिंग रॉड को भी पुश करती है नीचे की ओर। तो ये हिस्सा देखेंगे आप, तो ये हिस्सा कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो पिस्टन पिन मैं आगे बढ़ूंगा, थ्योरी आप देख सकते हैं खुद से, ओके। तो अगेन लोड ऑन द पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर इतना होगा, ठीक है। लोड ऑन द पिस्टन पिन क्या होगा, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द बियरिंग प्रेशर एंड बियरिंग एरिया, अगेन बियरिंग प्रेशर इंटू बियरिंग एरिया। तो जो ये बियरिंग प्रेशर है दिस इज पी वी वन इंटू जो बियरिंग एरिया है दिस विल बी डी आउटर, जो पिन का आउटर एरिया, दिस पिन का आउटर एरिया डी आउटर आउटसाइड एरिया, ओके आउटसाइड एरिया डी आउटसाइड डाया, सॉरी आउटसाइड डाया मल्टीप्लाई बाई एल वन, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया है अगेन, क्योंकि आपके ये अगर ये इसको नीचे पुश कर रहा है तो ये कांटेक्ट में है, अगर ये इसको अगर कनेक्टिंग डॉट पुश कर रही है तो ये एरिया कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो डी आउटर इंटू एल वन, एल वन इज द लेंथ ऑफ द पिन, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप बराबर करेंगे तो डी आउटर का फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपको दिया हुआ है, ओके। जिसमें एल वन की वैल्यू हम लेंगे 1.5 डी आउटर, ठीक है, और पी वी की वैल्यू ये भी आपको दी हुई है पी पी मैक्सिमम है। तो ये आपको जैन डाटा बुक में पूरा डाटा मिल जाता है, आपको बस एक बार चीज़ों को रिलेट करके देखना है कि जो हम देख रहे हैं वो डाटा बुक में किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। एक बार आप जरूर रिलेट करके देख लीजिएगा, वरना बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप साथ में करें, ओके। देन ये इस तरह से इन्होंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान लिया है, तो उसके लिए इन्होंने लेंथ निकाली है, तो ये पूरा कैलकुलेट किया है बेंडिंग मोमेंट निकाल के, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी सेक्शन मॉडुलस है उसको निकाला है। तो मोमेंट इज इक्वल टू आपको पता है एम ओवर आई इक्वल टू सिग्मा ओवर वाई, और वाई को अगर नीचे लेके आते हैं आई वाई वाई इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस जेड, ठीक है। तो एक्चुअली हम ये कर क्या रहे हैं कि हम जिसमें डी आई की वैल्यू अगेन 0.6 डी नॉट, अगर आप 0.6 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो डी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1.25 डी आई,
आउटर की वैल्यू जो इनर से है वो 25% ज़्यादा है, ठीक है, या इनर है वो आउटर का 60% है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बट अदरवाइज आपको ये डाटा बुक में फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा वी इज इक्वल टू पी डी ओवर 8 जेड, ठीक है। इसको करने का पर्पस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। आपको ये चेक करना है कि जो आपने डिज़ाइन की है पिन की, पी इज़ द मैक्सिमम फोर्स जो आपने मैक्सिमम प्रेशर के अकॉर्डिंग निकाला है, डी इज़ द डाया ऑफ द बोर, ठीक है, 8 इंटू जेड, जेड की वैल्यू आप पाई बाई 32, ओके, आपको डी आउटर की वैल्यू निकल आएगी, डी इनर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, जेड की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पी डी और 8 जेड में रखेंगे। अगर सिग्मा वी की वैल्यू लेस देन 137 आएगी, ये आपको दिया हुआ है डाटा बुक में, अगर सिग्मा वी की वैल्यू 137 से कम आती है तो मतलब है कि आपकी डिजाइन जो है वो सेफ है पिन की, ठीक है। तो ये आप इसको चेक करेंगे। और यहाँ पे जो सिग्मा वी वैल्यू जो जो आप पिस्टन पिन का मटेरियल लेंगे उसकी वैल्यू आप 82 मेगा पास्कल्स लेंगे, किसके लिए, केस हार्डेंड कार्बन स्टील के, 137 मेगा, और हीट ट्रीटेड एल्यूमिनियम एलॉय स्टील के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको वैल्यू दी है, क्या क्या दिया हुआ है, बहुत सी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, पर आप फिर से खुद से चेक करें कि आपको क्या चीज़ याद रखनी है और क्या चीज़ आपको दी हुई है, ठीक है। ओके, तो अब हम जो हमने डिज़ाइन बताई है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल है कि डिज़ाइन ए कास्ट आयरन पिस्टन फॉर ए सिंगल एक्टिंग 4 स्ट्रोक डीजल इंजन विद फॉलोइंग डाटा। इसमें सिलेंडर का बोर दे रखा है आपको, 200 mm लेंथ ऑफ स्ट्रोक दे रखा है, 250 स्पीड दे रखी है, 600 RPM ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर दे रखा है 0.6, देन मैक्सिमम गैस प्रेशर दे रखा है 4 MPa, फ्यूल कंजम्पशन दे रखा है 0.25 kg पर BP पर आर, LYD का रेशियो दे रखा है फॉर बूस्ट इन स्मॉल एंड कनेक्टिंग रॉड 1.5। ये ध्यान रखिएगा, LYD रेशियो फॉर द बूस्ट इन स्मॉल एंड कनेक्टिंग रॉड का मतलब पिन का LYD रेशियो दिया है आपको, ठीक है, जो हम ऑलरेडी कंसिडर करते हैं। ओके, तो एज्यूम सुटेबल डाटा इफ रिक्वायर्ड एंड स्टेट द एजम्पशन यू मेक। तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपको। डी की वैल्यू बोर दिया हुआ है, सिलेंडर बोर या पिस्टन का आउटसाइड डाया दे रखा है आपको 200, लेंथ ऑफ स्ट्रोक दे रखा है आपको 250 RPM दे रखे हैं, 600 RPM, पी मीन, आप ये ध्यान रखिएगा इसमें दिया हुआ है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर नहीं दिया है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू है 0.6 MPa। मास देखिए, ये आपको जो वैल्यू दे रखी है फ्यूल कंजम्पशन 0.25 kg पर ब्रेक पावर पर आवर, एक्चुअली ये वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो आप पिस्टन हेड की जो वैल्यू निकालोगे, जो मैंने आपको डाटा बुक के अकॉर्डिंग बताई है उसमें हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे तो ये फ्यूल कंजम्पशन के फॉर्मूले अलग लगेंगे। तो आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अगर उनको याद रख सकें तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, अदरवाइज आप इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, क्योंकि जो डाटा बुक हमको फॉलो करनी है तो उसमें नहीं दिया है, तो हम इसको इसी उसी हिसाब से हमने किया है, अदरवाइज ये बुक का न्यूमेरिकल ही है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कैसा होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपने हमने डिजाइन पढ़ी थी पिस्टन हेड और क्राउन की, तो हम उसको निकालेंगे। तो इसमें हम पहला एजम्पशन लेंगे, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर कास्ट आयरन इज 38 न्यूटन पर mm2। आप चेक कर सकते हैं, उसमें हमने रेंज दे रखी थी कि हम कितनी लेते हैं, आप जाएं पीछे आप देख सकते हैं। ओके, डाटा बुक में आप देखेंगे तो ये 38 आपको वैल्यू मिलेगी, या हमें जो भी रेंज दी उसमें हमने ले लिया। नाउ थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड बाई स्ट्रेंथ कंसिडरेशन, आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, TH 0.43 डी पी मैक्स ओवर सिग्मा टी, उससे आपने निकाला तो 27.90 आया। दूसरा, थिकनेस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम हीट कंसिडरेशन, अगेन हमें ये फॉर्मूला जो दिया हुआ था डी स्क्वायर क्यू ओवर 1600 K TC - TE, तो क्यू की वैल्यू 32,000 to 1,28,000 थी, तो हमने एक एवरेज वैल्यू ले ली 80,000 के की वैल्यू कास्ट आयरन के लिए दे रखा है 460, आप डाटा बुक में चेक कर सकते हैं उसको।
तो ये सब वैल्यू रखेंगे। और कास्ट आयरन के लिए जो TC माइनस TE के जो था वैल्यू, वो 222 था, ठीक है, 222 था। तो ये भी आप देखेंगे, ये सब वैल्यू रखेंगे तो TS2 की वैल्यू आ जाएगी 19.58 mm। देन थर्ड वन इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला जब लगाएंगे तो आप जब फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो TS3 की वैल्यू आ जाएगी निकल के 7.9। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी तीनों की वो लेंगे, तो हम थिकनेस जो पिस्टन की ले लेंगे दैट विल बी टेकन एज 27.9। जो मैक्सिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू 27.9, तो 27.9 हो गई हमारी सबसे पहले थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड और क्राउन। ओके, अब देखिए, अब हमने उसमें नोट में दिया था कि रेडी अगर TH की वैल्यू ग्रेटर देन 6 mm है तो हमको रिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोज़ हमने रिप्स 4 ले ली, हमने बोला था 4 से 6 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने 4 ले ली, तो थिकनेस ऑफ द रिप्स विल बी TH/3 टू TH/2, इसके बीच में होगी रिप्स की वैल्यू। तो ये वैल्यू निकल के आ गई 9.3 mm से 13.95, इसके बीच में कुछ भी ले सकते थे। तो हमने TR की वैल्यू, जो जब हमने इसका एवरेज लिया तो वो आया 11.62, तो हमने TR की वैल्यू सपोज ले ली 12 mm, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने कहा था रिक्वायरमेंट ऑफ कप, क्या हमको कप की रिक्वायरमेंट है, तो हमने बोला था LYD के रेशियो से ये पता चलेगा कि हमको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो LYD का रेशियो, आपको L की वैल्यू 250 दे रखी है क्वेश्चन में और D की वैल्यू 200 दे रखी है, तो आपने देखा 1.25 है, क्योंकि ये वैल्यू 1.5 से कम है। इसका मतलब है कि हमको एक कप देना पड़ेगा पिस्टन के ऊपर जिसकी वैल्यू होगी 0.7 × D। तो 0.7 × 2 किया तो मतलब 140 mm को हमको वहाँ पे एक कप लगाना मतलब वहाँ पे एक इम्प्रेशन देना पड़ेगा, एक कप बनाना पड़ेगा। नाउ फॉर पिस्टन रिंग, अलाउबल रेडियल प्रेशर ऑन सिलेंडर वॉल हमने 0.03, आप डाटा बुक में ये वैल्यू दी, आपको रेंज दे रखी है, आप उसका एवरेज ले सकते हैं, जो चाहें वो वैल्यू ले सकते हैं। तो 0.034 आपने ले लिया। दूसरा एजम्पशन इसमें लिया था पिस्टन रिंग आर मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 100 न्यूटन पर mm², ठीक है, ये ले लिया एजम्पशन। तीसरा यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्रेशन रिंग इज 3, कंप्रेशन रिंग मतलब प्रेशर रिंग 3 है और 2 ऑयल रिंग लगी हुई हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कुछ भी वैल्यू, ठीक है। तो रेडियल थिकनेस T1, रेडियल थिकनेस आपको मैंने बताया था उसका फॉर्मूला, ये दे रखा है 6.387 आगे, मतलब सपोज हमने इसको 7 ले लिया। डेप्थ ऑफ मतलब एक्सियल थिकनेस ऑफ पिस्टन रिंग और पिस्टन, T2 की वैल्यू 0.7 T1 टू T1, आप देख सकते हैं यही बताया था आपको, तो ये 4.9 से 7 आ गया, तो सपोज हमने इसकी वैल्यू 6 mm ले ली। नाउ नंबर ऑफ रिंग इज 5, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ द पिस्टन रिंग निकाल सकते हैं हम, फॉर्मूला आपको दे रखा है DY tangent, आप देखेंगे तो ये 4 mm। तो जो एच की वैल्यू है वो ग्रेटर आया एच मिनिमम से, तो इसका मतलब है कि हम जो एक्सियल थिकनेस जो आई थी वही हम लेंगे 6 mm। अगर ये वैल्यू सपोज 4 से कम आई होती तो हम एक्सियल थिकनेस 4 ही लेते, तो ये हो गया 6 mm। नाउ डेप्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, ब्रेथ ऑफ टॉप लेंथ, ये B1 की वैल्यू आप ब्रेथ ऑफ द टॉप लेंथ TH की वैल्यू, जो B1 जिसको है नोटिफिकेशन आप फिगर में जाके देख सकते हैं, दिस इज TH2 1.2 TH। अगेन हमने स्काला इसका एवरेज ले लिया और उसका राउंड कर लिया 30 mm। नाउ लेंथ बिटवीन द रिंग ग्रुप B2 की वैल्यू, जो ग्रुप के बीच के डिस्टेंस है वो 7.75 से T2 के बीच की होती है, तो ये 4.526 है, तो हमने इसकी वैल्यू 5 ले लिया। ओके, पिस्टन बैरल के लिए आपने वही डिज़ाइन जो फॉर्मूला दिया था वो सब हमने रखा, तो इसकी 18 mm आ गई। थिकनेस ऑफ बैरल एट ओपन एंड 0.25 से 0.35 था, तो वो हमने ले लिया, तो T4 की वैल्यू निकल आई हमारी। आप ये सब चीज़ें वही पैरामीटर के जो नोटिफिकेशन है वही हैं जो आपके फिगर में है, तो आप इसमें देख सकते हैं कौन सी वैल्यू किस चीज़ की है। देन पिस्टन स्कर्ट, अगेन पिस्टन स्कर्ट का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, पॉइंट इसको म्यू से डिनोट करते हैं, 0.1 को आप चाहे जो चाहे वो याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू 0.1 है, या टोटल फोर्स का मैक्सिमम फोर्स का 10वां पार्ट के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से LS की वैल्यू आ गई 157.08, LS की वैल्यू सपोज ले ली 160 mm, ठीक है। LS इज द लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट, तो यहाँ पे पिस्टन लेंथ कितनी हो जाएगी,
पिस्टन लेंथ होगी जो 5 टाइम्स H है, मतलब T2 है, H मतलब T2 प्लस 4 टाइम जो ग्रुप के बीच की डिस्टेंस, तो ये वो 50 mm हो गई। लेंथ ऑफ पिस्टन LS, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ पिस्टन हो जाएगी आपकी B1 है, देन लेंथ ऑफ रिंग सेक्शन प्लस LS पिस्टन स्कर्ट, तो 240 mm का पिस्टन हो गया। अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो लेंथ बोली गई थी वो कहा था D और 1.5D के बीच में होनी चाहिए, तो ये हमारी वैल्यू है 240, और ये जो कि 200 और 300 के बीच में है, तो मतलब हमारे हमारा जो डिज़ाइन से निकल के आया लेंथ ऑफ द पिस्टन वो सेटिस्फैक्ट्री आ गया। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं विड्थ ऑफ टॉप लेंथ था, देन दिस वाज रिंग सेक्शन सेक्शन एंड दिस इज स्कर्ट, लेंथ ऑफ स्कर्ट एंड दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पिस्टन। नाउ नेक्स्ट है पिस्टन पिन के लिए। पिस्टन पिन हमने माना कि बनी हुई है हार्डेंड एलॉय स्टील की, जैसे सिग्मा टी की वैल्यू 137, आप देख सकते हैं उसमें आपके डाटा बुक में दे रखा है। नाउ डाया ऑफ पिस्टन पिन, आप कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये दिया हुआ है, आप इधर से निकाल सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था L1 की वैल्यू 1.5 D0 के बराबर लेते हैं, बियरिंग प्रेशर आपको दे रखा है, इनिशियल वो इंटरनल डाया ऑफ द पिन हो जाएगा 0.6 D0 44, तो यहाँ पे जब आप डी नॉट आउट की वैल्यू निकालेंगे तो 73 mm आ जाएगी, इनर डाया निकल के आ गया आपका। नाउ हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे उसकी कितनी है, तो सिग्मा बी हो जाएगा मैक्सिमम गैस प्रेशर मल्टीप्लाई बाई डी इंटू डिवाइड बाई 8Z। ठीक है, और सिग्मा बी की वैल्यू जब आप एफ पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो वन ये आ जाएगा, जेड की वैल्यू IYY से निकाल लेंगे आप तो इतनी आ रही है, तो जब इसको इन सब वैल्यू को आप रखेंगे तो सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी 94.81, क्योंकि आप अगर पीछे देखेंगे तो सिग्मा बी की वैल्यू लेस देन अगर 137 है तो पिन की डिजाइन हमारी सेफ है बेंडिंग में। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी ये डिज़ाइन ऑफ पिस्टन को कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी जो भी क्वेरी हैं तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझको, मैंने अपना नंबर दे रखा है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें जो भी आप देख रहे हैं उसको अपनी डाटा बुक से ज़रूर रिलेट कर लें, और जो भी ज़रूरी चीज़ें आपको याद रखनी है समय एग्ज़ाम टाइम के लिए वो ज़रूर नोट करना है एक जगह। ठीक है, तो अब हम थर्ड और लास्ट डिज़ाइन पढ़ेंगे, डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग डॉट। ओके, चलिए बाय।